गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की अर्थशास्त्र की क्लास है। आज हम लोग बेटा अध्याय दो पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, है ना, तटस्थता या अनादिमान वक्र विश्लेषण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो बच्चों, जब इनका जो अर्थशास्त्र में इनके नाम है, इन लोगों के आप इंग्लिश नेम ज्यादा याद करेंगे तो इससे आपको डायग्राम जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तटस्थता अनादिमान वक्र विश्लेषण। आधुनिक अर्थशास्त्री, इस पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था उपयोगिता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता का विचार जो है वो मार्शल ने दिया था, और क्रमवाचक उपयोगिता का जो विचार है वो एलन और हिक्स ने किया दिया था। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनको, उनके अनुसार उपयोगिता जो है उसका माप मुद्रा के द्वारा करना जो है वो संभव नहीं है। मार्शल ने की जो रीति है उसको वो उपयुक्त तो नहीं मानते। उनके अनुसार उपयोगिता जो होती है वो क्या है, एक व्यक्तिगत धारणा होती है जिसकी माप करना जो है वो संभव नहीं। यह एक परिवर्तनशील विचार होता है जो समय और व्यक्तियों के साथ जो है बदल जाता है। इसके मापन का जो मुद्रा रूपी पैमाना है वह स्वयं मूल्य परिवर्तन होने पे परिवर्तित हो जाता तथा उपयोगिता विचलन जो है वो एक समय में एक ही वस्तु तक सीमित होता है। अतः इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए जो प्रोफेसर एजवर्थ थे, उन्होंने 1821 में उनकी पुस्तक थी मैथमेटिकल फिजिक्स में तटस्थ रेखाओं का प्रयोग किया, और इसके वैज्ञानिक रूप से जो व्याख्या है वो की है एलन और हिक्स ने। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या होता है, उसका आधार क्या होता है? तटस्थता वक्र विश्लेषण का आधार जो है वो क्रम सूचक संख्याएं होती है। मार्शल का जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है उसकी मुख्य कठिनाई जो उसकी है उसका है कि वो संख्यात्मक दृष्टिकोण होना, जिसमें इस बात को स्वीकार किया जाता है कि उपयोगिता का जो है परिमाणात्मक माप संभव होता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत इस बात पर विचार नहीं किया जाता है कि हमको किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, इस बात पर विचार नहीं करते बस, बल्कि हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु के उपयोग से किसी को कितनी संतुष्टि मिलती है और उसकी उपयोगिता जो है वो दूसरी वस्तु से कितनी अधिक है, बल्कि इस बात पर विचार किया जाता है कि उपभोक्ता की प्राथमिकता का क्रम क्या है, कि वो किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी और वस्तु को पसंद करता है। बस क्रम देखना है, ये नहीं देखना है कि दुगना पसंद कर रहा है या तीन गुना पसंद कर रहा है या चार गुना पसंद कर रहा है। अतः प्रत्येक संख्या का जो क्रम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है, ये संख्यात्मक माप के बिना बताना संभव होगा कि जो एक संयोग है और जो दूसरा संयोग है वो उपभोक्ताओं को किस तरह से संतुष्टि प्रदान करता है। ये क्रम सूचक संख्याएं जो है वो ये बताती हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अधिक पसंद करता है, कम पसंद करता है या बराबर पसंद करता है। ये क्रमवाचक संख्याएं एक स्थिति की दूसरी स्थिति से तुलना है, उनका मापन करना नहीं। तो ये जो तटस्थता वक्र या अनादिमान वक्र है, क्रमवाचक उपयोगिता का जो सिद्धांत है, इसे क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि तटस्थता वक्र क्या होता है। तटस्थता वक्र वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताती है जो परस्पर क्या होते हैं, विनिमय के योग्य होते हैं। विनिमय का योग्य है मतलब कि अगर सेब और संतरे हैं तो सेब और संतरे जो है वो क्या होंगे, आपस में उनको हम बदल सकते हैं और उनसे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो उपभोक्ता को क्या दे रही है, समान संतुष्टि दे रही है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत हम ये देखेंगे, दो ऐसे वस्तुओं के संयोजन को देखेंगे जिसमें व्यक्ति को दोनों का उपभोग करने से समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जब उपभोक्ता उनमें से किसी एक संयोग को चुन लेता है तो वो अन्य सभी संयोगों के प्रति क्या होता है, उदासीन हो जाता है, क्योंकि वो चाहे प्रथम, द्वितीय या तृतीय किसी का भी चुनाव मिले करे, उसको जो मिलने वाली उपयोगिता है वो क्या होगी, समान होगी। तो क्या होगा, उपभोक्ता उसके प्रति उदासीन होगा, तटस्थ बना रहेगा,
इसीलिए उसका नाम है तटस्थता अनादिमान व्रत या उदासीन, क्योंकि जब उपभोक्ता को समान संतुष्टि किसी भी स्तर से प्राप्त हो रही है, एक समान संतुष्टि, चाहे वो प्रथम क्रम को अपनाए, चाहे द्वितीय क्रम को अपनाए या तृतीय क्रम को अपनाए, तो वो क्या करता है, अन्य संयोगों के प्रति क्या होता है, उदासीन रहता है। प्रोफेसर जे के स्थिम ने तटस्थता व्रत को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह जो है मात्राओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करने वाला मार्ग होता है जिसके प्रति व्यक्ति क्या होता है, उदासीन बना रहता है। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा कि तटस्थता तालिका वह तालिका होती है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोजन को बताती है जो किसी व्यक्ति को क्या करती है, समान संतुष्टि प्रदान करती है। इससे जो मिलने वाली संतुष्टि है, यदि हम उसको एक वृक के रूप में दिखाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तटस्थता वृक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक तालिका बनाई है जिसमें लिखा संयोग प्रथम द्वितीय तृतीय, यहाँ पे नाम दिया है सेब की इकाइयां और यहाँ पर है संतरे की इकाइयां। जब उपभोक्ता क्या करता है, सेब की एक इकाई और संतरे की 6 इकाइयों का इस्तेमाल करता है, उपभोग करता है, तो उससे वही संतुष्टि यहाँ पे प्राप्त हो रही है जो 2 सेब और 3 संतरे का उपभोग करने पर उपभोक्ता को प्राप्त होगी। यदि वो ये विकल्प न चुनते हुए तीसरा विकल्प चुनता है, यहाँ पे 3 सेब की और 2 संतरे की इकाइयों को यूज करता इस्तेमाल करता है, तो भी उसे वही संतुष्टि प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि उपभोग, चाहे वो प्रथम क्रम को अपनाए, द्वितीय क्रम को अपनाए, तृतीय क्रम को अपनाए, उपभोक्ता को जो मिलने वाली संतुष्टि है वो क्या है, समान है। तो वो क्या होगा, अगर एक संयोग को चुन लिया तो वो अन्य सभी संयोग के प्रति क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसीलिए इस व्रत का नाम है तटस्थता व्रत या उदासीन या क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। मान लिया कि उपभोक्ता जो है संतरे को यहाँ पे दिखाया गया है वाय से, संतरे और सेब जिनको हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे एक्स और वाई के द्वारा, है ना। देखिए तटस्थता व्रत के इस उदाहरण के लिए हमने ये मान लिया कि उपभोक्ता संतरे और सेब का उपभोग करना चाहता है, सेब को यहाँ माना है एक्स और संतरे को वाई माना। उसे संतरे की छह इकाई और सेब की 1 इकाई का इस्तेमाल करने पर भी वही उपयोगिता प्राप्त हो रही है जिसकी हम निरपेक्ष रूप से माप करना संभव नहीं होगा। वही अगर उपभोक्ता सेब की 2 और संतरे की 3 इकाइयों को उपभोग करता है तो भी जो संतुष्टि का स्तर है वही बना रहेगा। यह तृतीय जो विकल्प चुनता है वो क्या कि 3 सेब की और संतरे की 2 इकाइयों का उपभोग करता है तो उसको क्या होगी, वही संतुष्टि जो है वो प्राप्त हो रही। इस तालिका को जब एक चित्र के रूप में दिखाया इस तरह से कि उपभोक्ता को क्या प्राप्त हुआ था, संतरे की 1 बिंदु की 1 सुब उसका उपभोग करने पर प्रथम इकाई से कितनी प्राप्त हुई, 6, है ना, फिर द्वितीय से 3 और 1 इकाई से यहाँ पे 3। जब इनको एक सीधी रेखा के द्वारा यहाँ पे इन बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है तो ये हमको प्राप्त हो जाता है तटस्थता व्रत। इसे क्या कहेंगे, तटस्थता व्रत, इनडिफरेंसिव कर्व, इसीलिए इसको यहाँ पे दर्शाया गया है IC के द्वारा। बच्चों अब हम देखेंगे तटस्थता मानचित्र क्या होता है। ये जो हमने तालिका देखी अभी यहाँ पे, इसमें हमने एक्स और वाई यानी सेब और संतरे के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जो हमें क्या कर रहे हैं, समान स्तर पर समान संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। परंतु यदि सेब और संतरों के ऐसे संयोग लिए जाएं जिनसे कि उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि जो है वो क्या हो, समान न हो। अभी हम क्या देख रहे थे उदासीनता व्रत में कि समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही थी, यदि समान न हो तो उपभोक्ता को जो मिलने वाला संतोष है वो भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा और उसको एक व्रत के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, उसके लिए विभिन्न तरह के तटस्थता व्रत खींचने होंगे।
अतः हमको बहुत से ऐसे तटस्थता व्रत प्राप्त हो जाएंगे जो उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हों। ऐसे संयोग जिनसे उपभोक्ता को कम संतुष्टि की प्राप्त होती है वो क्या होंगे, मूल बिंदु के निकट होंगे, है ना। मूल बिंदु के कैसे होंगे, निकट होंगे, जिनसे हमें क्या प्राप्त होगी, कम संतुष्टि प्राप्त होगी। और जैसे जैसे संतुष्टि अधिक प्राप्त होगी वो मूल बिंदु से क्या होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। तटस्थता व्रत विश्लेषण यहाँ पे करेंगे तो इस व्रत की क्या विशेषताएं होती है, तो पहली विशेषताएं है तटस्थता व्रत की कि यद्यपि उपयोगिता जो है उसका माप करना संभव नहीं होता है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उपभोक्ता जो है वो क्या कर सकता है, अपनी उपयोगिता का क्रम निर्धारित कर सकता है। अर्थात यदि किसी वस्तु के सामने, उपभोक्ता के सामने A1, A2, A3 ऐसे 3-4 संयोग है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसमें से किसी संयोग का चुनाव कर सकता है। दूसरा, इस व्रत की ये विशेषता है कि इसमें अधिमान क्रम में कोई असंगति नहीं होती। अधिमान मतलब किस चीज को हम ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई उपभोक्ता A1 संयोग की तुलना में A2 को अधिक पसंद करता है या A2 संयोग की तुलना में A3 को अधिक पसंद करता है तो वह निश्चय ही A3 संयोग को A3 की तुलना में क्या करेगा, ज्यादा पसंद करेगा, तो उसके व्यवहार में असंगति नहीं होगी। हो सकता है कि वह संयोग A1 को संयोग की तुलना में कम पसंद करें। तीसरी जो विशेषता है वो उपभोक्ता का व्यवहार जो है वो क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है। अर्थात उपभोक्ता जो है वो अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उपभोक्ता साधनों की सीमितता के कारण जो सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। तटस्थता व्रत विश्लेषण में इस तथ्य को जो है वो मान्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है। बच्चों उदासीनता व्रत आपको समझ में आया, एक बार और बोल देती हूँ मैं, इसको आप ध्यान से सुनना कि उदासीनता व्रत, तटस्थता या अनाधिमान, बोल रहे उदासीनता, उदासीन मतलब एक संयोग को चुन लेना तो उसके बाद जो शेष संयोग बचे हैं उसके प्रति क्या होना, उदासीन होना, क्योंकि सबसे जो है जितने भी संयोग है उनसे उपभोक्ता को क्या हो रही है, समान संतुष्टि की प्राप्त हो रही है। तो जब उपभोक्ता चाहे प्रथम का चुनाव करे या द्वितीय का चुनाव करे, तृतीय का चुनाव करे, उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि जो है वो क्या है, समान प्राप्त हो रही है, तो वो अन्य संयोग, एक संयोग चुनने के बाद वो अन्य संयोगों के प्रति क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यह है तटस्थता व्रत विश्लेषण। अब हम देखेंगे बच्चों कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत उपयोगिता और सीमांत मैंने क्या बोला था, जब एक एक इकाई को, एक एक इकाई का उपयोग कर लिया जाता तो वो होती है सीमांत उपयोगिता। तो सुनिए, तटस्थता व्रकों की व्याख्या करने के लिए हमको सीमांत प्रतिस्थापन दर को भी समझना होगा। अतः तटस्थता व्रक जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेसर हिक्स ने ये कहा था कि जो सीमांत उपयोगिता है उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन सीमांत प्रतिस्थापन दर का क्या होता है, एक निश्चित अर्थ होता है। इसीलिए हिक्स ने मूल्य सिद्धांत की जो व्याख्या है वो प्रतिस्थापन दर के रूप में की। इस प्रकार आधुनिक मांग का सिद्धांत तथा मूल्य सिद्धांत विश्लेषण सीमांत प्रतिस्थापन विचार पर आधारित है। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह होती है जो एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को किसी दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है, ताकि क्या हो, उसका संतुष्टि का स्तर जो है वो क्या हो, समान बना रहे। हिक्स के शब्दों में हम एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर को वाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उपभोक्ता एक्स की सीमांत इकाई न मिलने की होने वाली हानि को पूरा करता है।
प्रोफेसर मेयर्स ने कहा कि वाई की सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो एन एक्स की एक स्थाई के स्थानापन्न होती है। आधुनिक समय में सूक्ष्म अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन दर को लगभग उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जैसे उसको हिक्स ने परिभाषित किया। दो वस्तुओं एक्स और वाई के बीच प्रतिस्थापन दर को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे सूत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है बच्चों? घटती हुई प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता को दो वस्तुओं से मिलने वाली समान संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी होती है। हिक्स ने माना कि हम दो वस्तुओं को एक्स और वाई को एक दी हुई मात्रा से प्रारंभ करते हैं, एक्स की मात्रा में वृद्धि और वाई की मात्रा में कमी इस प्रकार से करे जाते हैं कि उपभोक्ता की स्थिति जो है वो ना तो पहले से अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है। तब वाई की जो मात्रा है एक्स की दूसरी इकाई की प्रतिक्रिया के रूप में घटाई जाती है। जितना अधिक एक्स को वाई के लिए प्रतिस्थापित करती है उसके लिए वो कही जाती है प्रतिस्थापन दर घटती हुई। इस नियम को एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। हम यहाँ पे सेब और संतरे का ही उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर उसके बदले में हम जितनी जितनी मात्रा को त्याग करते जाएंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन दर या घटती हुई प्रतिस्थापन दर, है ना। पहला द्वितीय तृतीय मान लीजिए यहाँ पे हम संयोग लेते जाते हैं प्रथम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। यहाँ पे रहेगी सीमांत प्रतिस्थापन दर। है ना? अब हम वापस से वही दो चीजें इस्तेमाल वही दो चीजें ले रहे हैं संतरे और सेब। सेब और संतरा ये हम देख रहे हैं उदाहरण यहाँ पे घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का। देखिए जब हम यहाँ पे 55 संतरे लेते हैं और सेब का इस्तेमाल होता है, सेब इस्तेमाल कर रहे हैं एक, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन उसके लिए दर कुछ भी नहीं है। दूसरा यहाँ 43 संतरे रह रहे हैं और सेब की दो इकाइयां ले रहे हैं तो यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन दर है 15:1। यहाँ पे तीसरा 30 संतरे और 3 से तो यहाँ प्रतिस्थापन दर क्या है, 10.1, है ना। तो जैसा कि तालिका से स्पष्ट होता है कि जब 55 इकाइयां संतरे की और सेब की एक इकाई के संयोग से आरंभ करता है तो वह सेब की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करता है तो उसको क्या करना होगा, संतरे की जो है वो 15 इकाइयां घटानी होगी। यदि वह सेब की एक और अतिरिक्त इकाई को बढ़ाता है तो वह संतरे की केवल 10 इकाइयों को ही घटाता है। इस प्रकार उपभोक्ता जैसे जैसे एक अतिरिक्त बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसके बदले में जो संतरे हैं उसकी इकाइयां वो जो है कम देने के लिए तैयार होता है। तटस्थता वर्ग विश्लेषण का क्या महत्व होता है? आधुनिक समय में तटस्थता वर्ग विश्लेषण अत्यधिक प्रचलित है। अर्थशास्त्र के जो विभिन्न सिद्धांत हैं विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। विनिमय के क्षेत्र में तटस्थता वर्गों की सहायता से एजवर्थ ने यह स्पष्ट किया कि यदि दो व्यक्तियों को आपस वस्तुओं के संदर्भ में अपना अनादिमान मतलब वो किसे अधिक मान दे रहा है, किसे प्रथम क्रम दे रहा है मालूम करना हो तो वह यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यक्ति इस
इन वस्तुओं को आपस में विनिमय कर सकते हैं या नहीं। उपभोक्ता का संतुलन, तटस्थता व्रकों की सहायता से उपयोगिता के बिना परिणात्मक मार्ग के उपभोक्ता का संतुलन जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता की आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें मालूम हो, जिस बिंदु पर कीमत रेखा जो है वो तटस्थता व्रक को स्पर्श करती है, तो वही बिंदु जो है वो क्या होगा, संतुलन का बिंदु होगा। मांग पर प्रभावों का अध्ययन होता है। तटस्थता व्रक विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता की मांग और उस पर प्रतिस्थापन तथा कीमतों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। करारोपण के क्षेत्र में जब सरकार विभिन्न तरह के कर लगाती है, तो इस बात का प्रयास किया जाता है कि तटस्थता की करदाताओं को क्या हो, कम से कम त्याग करना पड़े। यह बात तटस्थता व्रकों की सहायता से जो है वो ज्ञात की जा सकती है। इन व्रकों से यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्राय प्रत्यक्ष करों का बोझ अप्रत्यक्ष करों की तुलना में क्या होता है, कम हो। राशनिंग के क्षेत्र में जो वस्तुएं अनिवार्य प्रकृति की होती है, जिनका अभाव होता है, उनका सरकार के द्वारा जो है वो राशनिंग कर दी जाती है, जिससे उनका वितरण जो है वो ठीक तरह से हो सके। तटस्थता व्रक विश्लेषण की मदद से यह दिखाया जाता है कि राशनिंग के पश्चात उपभोक्ताओं को जो है वो संतुष्टि में वृद्धि हो जाती है। श्रमिक का कार्य और अवकाश के मध्य अधिमान क्रम दिखाने के लिए, श्रमिक अपने समय के कार्य तथा अवकाश के मध्य किस तरह से स्थापित करेगा तथा उसका कार्य और अवकाश के मध्य अधिमानों का क्रम क्या होगा, यह जानने के लिए तटस्थता व्रक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता की जो बचत है उसका माप करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचना की है, और उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को जो है मुद्रा के द्वारा मापा नहीं जा सकता, अतः उपभोक्ता की बचत की माप भी संभव है। और हिक्स ने तटस्थता व्रकों की सहायता से उपभोक्ता की बचत को संभव बनाया। अब इस विश्लेषण में क्या क्या दोष है। तटस्थता व्रक विश्लेषण में कोई नई बात नहीं कही गई। प्रोफेसर शुम्पिटर ने तटस्थता व्रक विश्लेषण से न तो कोई नई बात प्रमाणित करता है और न ही किसी पुरानी बात का खंडन करता है। इसमें पुराने विचारों को बस नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि उपयोगिता के स्थान पर प्राथमिकता शब्द का प्रयोग किया, इसी प्रकार मात्रात्मक संख्याओं के स्थान पर क्रमवाचक संख्याओं का प्रयोग किया गया, और सीमांत उपयोगिता के स्थान पर सीमांत प्रतिस्थापन दर का विचार ले लिया। अतः कहा जा सकता है कि जो तटस्थता व्रक विश्लेषण है, ये पुराने विचारों को सुधार करके उसको नई शब्दावली से प्रस्तुत करता है। उपभोक्ता के द्वारा अपनी आय केवल दो वस्तुओं पर व्यय करने संबंधी जो मान्यता है इसकी, वो दोषपूर्ण है। दो वस्तुएं उन्हीं के उपभोग और उन्हीं के इस्तेमाल पर और उन्हीं में विवेकपूर्ण चुनाव पर तटस्थता व्रक विश्लेषण बल देता है, परंतु वास्तविक जीवन में उपभोक्ता को दो वस्तुओं के बीच चुनाव करने की समस्या न होकर कौन सी समस्या होती है, बहुत सारी वस्तुओं के बीच में चुनाव करने की समस्या होती है। तब उपभोक्ता जो है वो व्यय को दो या दो से अधिक वस्तुओं में किस तरह से विभाजित करे, ये तटस्थता व्रकों का उससे महत्व ही समाप्त हो जाता है। उपभोक्ता की रुचि को स्थिर मानकर जो चलना है वो गलत है। तटस्थता व्रक विश्लेषण में हम उपभोक्ता की रुचि को स्थिर मान लेते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण तटस्थता व्रक का विश्लेषण जो है वो संदेहपूर्ण हो जाता है। प्राथमिकताओं की जानकारी संबंधी तालिका दोषपूर्ण होना, तटस्थता व्रक विश्लेषण यह मानकर चलता है कि उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं के उन सभी संयोगों की जानकारी है जो उसको समान संतुष्टि प्रदान करती है, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं है। एक उपभोक्ता को अपनी वास्तविक खरीद के आंशिक संयोगों का पता हो सकता है, किंतु सभी संयोगों की पूर्ण जानकारी होना जो है वो संभव नहीं होता। उपभोक्ता की
विवेकशीलता को मानकर चलना जो है वो क्या है, गलत। तटस्थता व्रत विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है तथा वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब उपभोक्ता जो है उसका व्यवहार जो है इसके ठीक विपरीत होता है। वो लापरवाही और अविवेकपूर्ण ढंग से व्यय भी करता है। तटस्थता व्रत विश्लेषण जो है बहुत जटिल है। तटस्थता व्रत विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में काफी अधिक जटिल है और इसको समझने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता भी होती है। यह विश्लेषण उस समय अधिक जटिल हो जाता है जबकि इसका प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के बीच चुनाव करने के लिए या उसको सुलझाने के लिए किया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि तटस्थता व्रत का विश्लेषण का विचार अनेक दोषों के होते हुए भी मार्शलवादी का जो उपयोगिता विश्लेषण है उसके ऊपर एक सुधार है और एक श्रेष्ठतम है। बच्चों अगला प्रश्न हम देखेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता का संतुलन क्या है? देखिए, उपभोक्ता का संतुलन जो है वो इस बात के जानकारी को प्राप्त करना होता है कि जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आय को किस तरह से व्यय करे कि उसको क्या हो, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वह क्या करता है, जब वह अपनी आय को उसके प्रयोग से उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तटस्थता विश्लेषण के अंतर्गत हम उपभोक्ता के संतुलन की दशा का विश्लेषण किया जाता है। तटस्थता व्रत विश्लेषण जो है वो उस पद्धति पर आधारित होता है। तटस्थता व्रत विश्लेषण, तटस्थता मानचित्र, कीमत और बजट रेखा। तो उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। उपभोक्ता का संतुलन क्या है, तटस्थता मानचित्र क्या है, कीमत रेखा या बजट रेखा, उपभोक्ता का बजट सेट है ना। अब देखेंगे कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है। तटस्थता मानचित्र मैंने भी बताया था कि जब समान संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे एक वृत्त के रूप में दिखाया जाता है। जब उपभोक्ता को भिन्न भिन्न संतुष्टि प्रदान करती है तो वो भिन्न भिन्न स्तर को प्रकट करती है, और जब उसको वृत्त के रूप में दिखाया जाता है तो उतने अधिक हमको क्या बनाने पड़ते हैं, उतने अधिक उदासीनता मानचित्र, तटस्थता मानचित्र बनाने होते हैं, तो उसे कहा जाता है तटस्थता मानचित्र। अब कीमत रेखा क्या होती है बच्चों, या बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा का आशय उस रेखा से होता है जिस पर जो उपभोक्ता होता है वो अपनी संपूर्ण आय को सभी बंडलों पर क्या कर देता है, खर्च कर देता है या व्यय कर देता है। बंडल क्या होते हैं, बंडल मतलब दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई दो वस्तुएं मान लिया। अब इन दोनों की जो सम्मिलित राशि है वो कही जाएगी बंडल, उसे क्या कहा जाएगा, बंडल। तो कीमत रेखा क्या होती है, कीमत रेखा से आशय उस रेखा से होता है जिस पर एक उपभोक्ता अपनी आय को सभी बंडलों पर व्यय कर देता है। यह सभी बंडलों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है।
इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत जो है उपभोक्ता के आय के बराबर हो जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा, उसकी मुख्य मुख्य बातें मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ और आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छी तरह से याद भी करेंगे। तटस्थता तालिका वह तालिका होती है जो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि इस तटस्थता तालिका को एक वृक के रूप में दिखा दिया जाता है तो हमें तटस्थता वृक प्राप्त हो जाता है। उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करने वाले विभिन्न चक्रों को जब एक साथ एक ही चित्र में दिखाया जाता है तो इसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को त्याग करने के लिए तत्पर होता है। घटती हुई प्रतिस्थापन दर क्या होती है? घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर से आशय है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के बीच में से ऐसे संयोगों को चुनता है जिससे क्या हो, समान संतुष्टि की प्राप्ति हो। तभी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना होता है। तटस्थता, अब यहाँ पर हम सही विकल्प से संबंधित यहाँ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तटस्थता वृकों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजवर्थ ने किया था सर्वप्रथम। तटस्थता वृक प्राथमिकता विश्लेषण आधारित होता है, काय पर आधारित होता है? क्रमवाचक। तटस्थता वृक प्रत्येक बिंदु पर जो है वो क्या बताता है? समान संतुष्टि को बताता है। तटस्थता व्रकों की विशेषता होती है, क्या क्या विशेषताएं हैं अभी जो हमने पढ़ी? यह व्रक बाएं से दाएं जो है वो नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। यह व्रक मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। यह व्रक कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। तटस्थता व्रक अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर जैसा होता है, जबकि क्या होता है? दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो, पूर्ण स्थानापन्न हो मतलब एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता हो। उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए क्या प्राप्त होना चाहिए? तटस्थता मानचित्र भी प्राप्त मालूम होना चाहिए और बजट रेखा भी मालूम होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ये दोनों। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर बजट रेखा तटस्थता वृकों को स्पर्श करती हुई होती है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाने पर अन्य बातों के समान रहने पर कीमत रेखा जो है वो क्या होती है? उपभोक्ता की आय बढ़ जाने पर उपभोक्ता आय जो है वो समानांतर दाएं ओर खिसक जाती है। बजट रेखा कितने अनादिमान वृकों को स्पर्श करती है? एक। यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ रही है तो अनादिमान वृक कैसा होगा? तो ये वृक होगा घटता हुआ। अब हम यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तटस्थता वृक विश्लेषण को क्रमवाचक उपयोगिता का विश्लेषण भी कहते हैं। तटस्थता वृक पर उपभोक्ता को क्या होती है? समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तटस्थता वृक विश्लेषण सीमांत प्रतिस्थापन की धारणा पर आधारित होता है। उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर क्या होता है? कीमत रेखा का ढाल तटस्थता वृक के ढाल के बराबर होता है। ऊंची तटस्थता वृक रेखा दर्शाती है उच्च स्तर की संतुष्टि। एक शब्द में उत्तर से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे बच्चों। तटस्थता वृक की परिभाषा दीजिए। तो तटस्थता वृक क्या होता है? तटस्थता वृक जो है वो क्या करता है? उदासीन रहता है, समान स्तर की संतुष्टि को प्रकट करता है। तटस्थता वृक विश्लेषण का आधार क्या है? तो तटस्थता वृक विश्लेषण का आधार होती है क्रम सूचक संख्याएं। तटस्थता वृक पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है? तटस्थता वृक पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उपभोक्ता संतुलन के लिए तटस्थता मानचित्र के साथ ज्ञात क्या याद होना चाहिए? हमें कीमत रेखा और बजट रेखा भी ज्ञात होनी चाहिए। तटस्थता वृक रेखा की ढाल कैसी होती है?
तटस्थ वक्र रेखा की ढाल दाएं से बाएं नीचे की ओर होती है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा तटस्थता मानचित्र, अनादिमान वक्र, कीमत रेखा, उपभोक्ता का संतुलन, बजट रेखा, बजट सेट, बंडल क्या होते हैं, उपभोक्ता का संतुलन, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और डायग्राम्स को बना के देखेंगे। ओके, थैंक यू।